जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, कल संसद के अंदर आपने देख रहे थे कि जिस तरीके से इमरती चाची चिघाड़े मार मार के चिल्ला रही थी रेप और बलात्कार पे, तिल का ताड़ बना रही थी, लगातार राहुल गांधी को कोस रही थी, मैं आज उसकी असलियत खोल के रखूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे, आज मैं वह सच्चाई रखूंगा और आप लोगों से यह कल्पना करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग भारतीय जनता पार्टी यानी बलात्कारी पार्टी के लोगों तक पहुंचाना होगा। और यह जो अमृती चाची कल चिल्ला रही थी, चिघाड़े मार रही थी, अमृती चाची को भी मैं चैलेंज करूंगा कि मेरे इस वीडियो का जवाब दे। और आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि आप लोग अगर इस देश के अंदर सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलना चाहते हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग इस वीडियो को इमरती चाची तक पहुंचाने का काम करें। और मैं अपनी पूरी बात रखूंगा, जबरदस्त तरीके से रखूंगा। इमरती चाची मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करके और कम से कम 1000 लोगों को जोड़ने का काम करिए। और जैसे ही 1000 लोग जुड़ते हैं, मैं बताता हूं कि इमरती चाची का जो बयान था कल, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देता हूं इमरती चाची को और ये बलात्कारी जनता पार्टी के लोगों को। ये जो बलात्कारी जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है कि इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता को बर्बाद करने वाले लोग, इनसे देश को बर्बाद नहीं होने देंगे हम लोग। और ये इतिहास की बात कर रही थी कल चाची, ये वही चाची है जिसको अपना भूगोल का पता नहीं है, वह देश का इतिहास बता रही है। आप लोगों को मैं कह रहा हूं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और बोस के खून आपके रगों में दौड़ता है, आप लोग इस बलात्कारी पार्टी का समर्थक नहीं हैं, आप इन धूर्तों के समर्थक नहीं हैं, आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं, तो आपका परम कर्तव्य है कि आप लोग कम से कम 1000 लोगों को जोड़िए। उसके बाद मैं यहां से हिलाऊंगा कि दिल्ली का संसद तक हिलेगा। और इस वीडियो को आप लोगों का कर्तव्य है कि यह इमरती के जो एक एक समर्थक हैं, जो 200 रुपए में काम करते हैं और अपने घर की बहन बेटियों तक का यह सौदा करते हैं, ऐसे लोगों को आप लोगों को तमाचा मारना है उनके मुंह पे। अभी तक लगभग 250 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अगर 250 मेरे भाई अगर 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दें, तो 1000 नहीं 5000 लोग भी जुड़ सकते हैं। प्लीज भाई, जोड़ दीजिए आप लोग। और जैसे ही जोड़ेंगे, वैसे ही हम इतिहास और भूगोल बताना चालू कर देंगे। ये बलात्कारी पार्टी जो कल राहुल गांधी बोल रहे थे रेप इन इंडिया, बिल्कुल वो सही बोल रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कि यह हिंदुस्तान आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको रेपिस्तान बना चुकी है, रेपिस्तान बन चुका है पूरी तरीके से, यह मैं खुला चैलेंज करता हूं। लेकिन यह इमरती चाची कभी बोलती नहीं है। और जब आज कल भाजपाइयों पे सवाल खड़ा होता है, तो इमरती चाची जैसे उस संसद के अंदर जो लोग बैठी हैं, उनके मुंह का अचानक ताला खुलता है और उसको सिनेमा हॉल बना लेते हैं। मैं उस इमरती चाची की हाल बताऊंगा आप लोगों से, जो बलात्कार पे तो सवाल खड़ी करती है, लेकिन इसने अपने सहेली को भी नहीं छोड़ा है, अपने सहेली के साथ भी इसने धूर्तता किया है। लेकिन आप लोग प्लीज, आप लोग जल्दी से जल्दी आप जोड़ दीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 लोगों को जोड़ दीजिए, उसके बाद मैं चालू कर दूं। इमरती चाची का मुंह न अगर मैं झुला दिया, उसका मुंह न सुखा दिया, तो आप लोग बताइए। लेकिन आप लोग मेरे क्रांतिकारी साथी हैं, आप लोग मेरा साथ दीजिए और आप लोग कम से कम 10-10 ग्रुपों में प्लीज शेयर कीजिए
इसको प्लीज शेयर कीजिए, कम से कम 1000 लोग जुड़े, और जैसे ही लोग जुड़ते हैं उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा। 500 लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा, उसके बाद तो 1000 अपने आप लोग हो जाएंगे। अभी तक 350 लोग जुड़ चुके हैं। प्लीज प्लीज आप लोग 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। प्लीज 350 लोग मायने रखते हैं, 350 लोग जैसे ही जुड़ेंगे, 500 लोग जैसे होंगे वैसे हम शुरू कर देंगे। इमिर्ति का इतिहास जो बता रही थी उसका हम भूगोल बताना चालू कर देंगे। इमिर्ति को अपना भूगोल का पता नहीं है, वो देश का इतिहास बताने चली है। ऐसे इतिहास बताने वाले लोगों को इस देश में कमी नहीं है। इस देश के अंदर इतिहास वो बताते हैं जिनका खुद का भूगोल होता है। जिनका खुद का भूगोल ही नहीं है वह दूसरे का इतिहास क्या बताएंगे। 400 लोग जुड़ चुके हैं, प्लीज आप लोग एक एक बार शेयर करते रहिए। 500 कर दीजिए, उसके बाद मैं शुरू करता हूं कि कल संसद के अंदर जो कुछ हुआ है उसे मैं बताने की कोशिश करूंगा। संसद के अंदर कल वो जो कह रही थी इमिर्ति चाची की यह इतिहास का काला दिन है, मैं ये बताऊंगा कि संसद के इतिहास का वो काला दिन था जब एक महिला खड़ी होकर के बलात्कारियों का सपोर्ट कर रही थी और बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी थी। ऐसी धूर्त महिलाओं से सावधान रहना होगा इस देश को। ये ऐसी किस तरीके की महिला है मैं आप लोगों को बताऊंगा। 400+ लोग हो गए हैं, प्लीज शेयर करते रहिए आप लोग। जैसे 500+ होगा उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा कि यह बलात्कारी पार्टी के बलात्कारी लोग कौन हैं। इतिहास की बात ये लोग करते हैं जिनको अपना खुद का भूगोल का पता नहीं है, वो इतिहास क्या बताएंगे। ये ऐसी पार्टी के लोग हैं कि इनका कहीं ना अस्तित्व है ना कहीं। प्लीज 450 लोग जुड़ गए हैं, 50 लोग और जुड़ना बाकी है। एक बार प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। सारे लोग 450 लोग अगर एक बार शेयर कर देंगे तो 500 लोग अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, प्लीज प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। 450+ हो चुके हैं, बस 500 होना बाकी है, और जैसे ही 500 पूरे होंगे वैसे ही हम अपनी बात को रखना शुरू कर देंगे। मेरे जितने भी क्रांतिकारी साथी जुड़े हुए हैं मैं एक बार सभी को नमन करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को जय हिंद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 500 पार कर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कल राहुल गांधी ने जैसे ही अपने भाषण में उन्होंने कहा झारखंड के चुनाव में कि भारत रेप इन इंडिया बन चुका है, मेक इन इंडिया मोदी जी बनाने वाले थे। संदीप जी नमस्कार, क्रांतिकारी साथी संदीप जी हमारे हैं, इंजीनियर साहब आपको सल्यूट है, आपको नमस्कार है। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं मैं लास्ट में सभी लोगों का नाम लूंगा, सभी क्रांतिकारियों का अभिवादन करूंगा, लेकिन आप लोग इसको जोड़ते रहे और इसको बढ़ाते रहे, कम से कम 1000 लोग जुड़े। राहुल गांधी का कल जैसे ही बयान आता है कि भारत रेप इन इंडिया बन चुका है, वैसे ही इमिर्ति चाची संसद के अंदर खड़ी होती है और शरीर मटका मटका के चारों तरफ से हल्ला मचाने लगती है कि राहुल गांधी अपने कहे हुए बयान को वापस लें। यानी राहुल गांधी ने सच्चाई बोल दिया कि यह रेप इन इंडिया है, तो इन भाजपाइयों के गले की हड्डी बन गई। मैं ये कहता हूं इमिर्ति जी, अगर आपको इतना शर्म आ रही थी राहुल गांधी के बयान पर, तो जब शेंगर एक नाबालिग बच्ची का रेप कर रहा था तो उस समय आपकी जुबान में ताला क्यों लगा हुआ था? उस समय आपको जुबान का ताला खोलना चाहिए और उस समय आपको बोलना चाहिए कि यह भारत है, यह संस्कृति और सभ्यताओं का देश है, यह महिलाओं का देश है, सिंगर जैसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के पार्टी से भगाने का काम करना चाहिए। लेकिन आपके जुबान पे ताला लगा हुआ था इमिर्ति जी, आपके ही जुबान पे नहीं, जितनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठी हुई महिला सांसद हैं सब की जुबान पे ताला लगा हुआ था। जब शेंगर एक नाबालिग बच्ची से 80 साल की उम्र में जब तेल मालिश करा रहा था, तो उस समय आप लोगों की जुबान पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि आप लोगों को शर्म आ रहा था बताने में। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी है, यह अगर कहा जाए तो यह रेपिस्टों की ही पार्टी है। आज मैं खुले चैलेंज कहता हूं कि अगर इमिर्ति में इतनी ताकत है तो इमिर्ति चाची को यह बोल देना चाहिए कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, जिनके ऊपर भी रेप का आरोप लगा है, सबका सब बाहर निकाल दिया जाए। जिस दिन
रेपिस्टों को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे गिर जाएगी और ये फेंकने वाले लोग, जुमला छोड़ने वाले लोग केवल खोखा बन जाएंगे, खोखा। और ये इमरती चाची जो हल्ला मचा रही है संसद के अंदर, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि यह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं यह रेपिस्ट लोग हैं और ये रेपिस्ट बैठे हुए हैं। अगर ये रेपिस्ट नहीं होते तो ये सेंगर जैसे लोगों को, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते। इनको तो, इनको मैं देख रहा हूं कि ये ऐसे लोगों की पार्टी है जो बाथरूम के अंदर डब साबुन लगा करके कमल खिलाने का काम करते हैं, यह पार्टी है। इससे इनके देश की गौरव गरिमा नहीं गिरती है और न इनके देश का गौरव गिरता है और न तो महिलाओं का अपमान होता है। मैं इमरती जी को कहता हूं कि बलात्कार का मतलब क्या होता है, बलात्कार की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूं। बलात्कार का मतलब होता है कि किसी भी स्त्री के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध उसका शोषण कर लेना ही जो है बलात्कार होता है। अगर यह बलात्कार होता है तो मैं तो यह कहूंगा कि इमरती चाची भी हमारी बलात्कारी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सहेली के इच्छा के विरुद्ध उसके पति पर कब्जा करने का काम किया। तो सबसे बड़ी रेपिस्ट तो हमारी ये चाची है। जो भक्त हो, मैं भक्तों को कहूंगा कि यहां से निकल ले, क्योंकि भक्तों का पिछवाड़ा लाल होने वाला है। यहाँ 200 रुपए नहीं मिलेगा, यहाँ तो पिछवाड़ा उनकी दराती से सफा चट कर दिया जाएगा। और जो क्रांतिकारी साथी हैं वो जुड़े रहें और जितना भी हो सके वह ग्रुपों में शेयर करते रहें इस वीडियो को, क्योंकि आज रेपिस्टों को नंगा करने का काम मैं कर रहा हूं। कल मैं देख रहा था कि इमरती चाची ये कह रही थी कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि कांग्रेस का नेता ये बोला है कि यह जो है इंडिया, जो हमारा रेप इन इंडिया हो रहा है। जिस तरीके से वो विधवा विलाप कर रही थी और ये कह रही थी कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कोई भी आए और भारत की महिलाओं का रेप करके चला जाए, यह नहीं कह रही थी इमरती चाची, झूठ बोल रही थी, सरासर झूठ बोल रही थी, उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो राहुल गांधी का जाके बयान सुनने का काम करिए कि उन्होंने क्या किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं यह झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, ये जुमलेबाज हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहता था कि जो वायदे किए जाते हैं वो जुमले हुआ करते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से लगातार पूरे भारत के अंदर रेप हो रहे हैं, अभी तक रेप होकर के लोग, महिलाओं की हत्या की जाती थी, लेकिन अब रेप करके उनको जिंदा जलाने का काम किया जा रहा है, उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। आज यह जो भारतीय जनता पार्टी है वह पार्टी पूरी तरीके से अगर कहूं तो वह रेपिस्टों की पार्टी बन गई है। अगर रेपिस्टों की पार्टी नहीं है तो ऐसा कानून बना दें कि अगर जिसके ऊपर भी रेप का एक भी आरोप है वह संसद के अंदर नहीं घुसेगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा कानून ये बना क्यों नहीं देते हैं? लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा कानून अगर ये बनाएंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। एक भी व्यक्ति इनका ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अपराध के मुकदमे न हो। ये अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और मीडिया के द्वारा गंगा जल को छिड़क करके उनका चरित्र गढ़ने का काम करते हैं कि यह बहुत ही सुपर व्यक्ति है और बहुत ही सुंदर व्यक्ति है। लेकिन कल जो संसद के अंदर हुआ वह इतिहास का काला दिन है। अभी 900 लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप लोग एक बार शेयर कर देंगे तो आप लोग जो 1000 का वायदा किए हैं वह 1000 आप लोगों का पूरा हो जाएगा और हम अपनी बात को जो रख रहे हैं वह और जोश के साथ रख सकेंगे। उस देश का क्या हाल होगा जिस देश के अंदर बलात्कारी बैठे हों, चिन्मयानंद जैसे लोग बैठे हों, कि शर्म आनी चाहिए इमरती जी पर कि जो लड़की शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है उसको जेल भेज दिया जाता है और जो व्यक्ति शोषण करता है वह अस्पताल भेज दिया जाता है। वह देश का काला दिन नहीं है, वह देश के इतिहास में गंदा और कुकर्म नहीं है। अगर कोई उस पर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर चिन्मयानंद ऐसा क्यों किया, तो वह महिलाओं का अपमान हो जाता है और महिलाओं का शोषण होता रहे तो वह महिलाओं का अपमान नहीं है। धूर्त औरतों
ऐसी धूर्त औरतों को इस संसद के अंदर जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है इस देश की जनता का कि ऐसी महिलाओं को संसद के अंदर भेजा जाता है कि जब जरूरत होती है महिलाओं के शोषण के खिलाफ तो इनकी आवाजें बंद रहती है और जब इनके ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है तो ये हल्ला मचाती है मटक मटक के, जैसे सिनेमा हॉल में और टीवी चैनल पर जाकर के ये पर्दे में सास और बहू का जो है कार्यक्रम कर रही है। राजकृष्णा जी को मैं नमस्कार करता हूँ, राजकृष्णा जी काफी देर से हैं, श्रीकांत जी हैं, मैं सभी लोगों को नमन करता हूँ और लास्ट में जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं मैं एक एक साथी का नाम लूंगा, अगर किसी का नाम अगर भूल जाऊंगा तो कृपया मुझे माफ करिएगा। यह मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ जिसमें प्रदीप जोशी जैसे लोग बैठे थे, इतने घटिया और घिनौना लोग कि ये जो है छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, बच्चों के साथ ही चूसम चुसाई का खेल खेलते हैं। चूसम चुसाई का खेल खेलने वाले संसद के अंदर बैठे हैं और संसद में अगर आवाज उठती है तो ये चाची कहती है कि आप लोग चुप रहो, मुंह पे ताला लगा लो, भारत की इंसल्ट हो रही है। अरे दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे प्रतिनिधि संसद के अंदर जा रहे हैं जो शोषण का समर्थन कर रहे हैं। आज तक पूरे देश के अंदर करोड़ों बलात्कार हो चुके हैं लेकिन इन बलात्कार के विरोध में कभी भारतीय जनता पार्टी की इन महिलाओं की जुबान नहीं खुली कि आखिर क्यों हो रहे हैं बलात्कार। कल के इतिहास में अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा इस देश का तो कल जो संसद में हुआ है यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा, काला दिन के रूप में यह जाना जाएगा कि कल किस तरीके की महिलाओं ने बयान दिया है। आज पूरे देश के अंदर बलात्कार, बेरोजगारी और अगर देखा जाए तो अभी जो एनआरसी आया है, सिटीजन बिल आया है, इसका विरोध चारों तरफ से हो रहा है। इस मुद्दे को हटाने के लिए इमरती चाची जो है वो अपना जो है शरीर भांज रही है संसद के अंदर, राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। मैं ये कहूंगा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे चोर और सारे के सारे डकैत बैठे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ईमानदार आदमी इन डकैतों के कारण वह भी डकैत बना हुआ है। वह जब भी कभी आवाज उठाता है तो ये जो गद्दार नेता, जो चोर नेता, डकैत नेता कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है, जिसके वजह से आज रेपिस्टों की पार्टी संसद में पहुंच चुकी है, कांग्रेसों की जो है देन है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह पार्टी का दुर्भाग्य है कि इस पार्टी के अंदर युवा चेहरे नहीं हैं, ऐसे 90 साल बुजुर्गों को बैठाया गया है जो देश को लूट लूट के, देश को लूट लूट के इस देश को खोखला करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के आधे नेता तो ऐसे हैं कि जो कि एम्स में 6 महीने रहते हैं और 6 महीने घर में आके बेड रेस्ट करते हैं और जब बाथरूम में जाते हैं तो छड़ी लेके जाते हैं और लैट्रिन करते हैं बाथरूम पे और खराब कर लेते हैं अपनी धोती और अपना कच्छा। ऐसे लोगों के बूते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं लेकिन यही मीडिया के लोग उसको पप्पू बताते हैं, लेकिन वह राहुल गांधी जो बोलता है वह बिल्कुल सच्चा बोलता है, बिल्कुल सच्चाई बोलता है, उसके अंदर धूर्तता नहीं है और न तो वह धूर्तता करता है न तो वह धूर्त है। लेकिन जो डकैत हैं, जो चोर हैं, जो आधे तो कांग्रेस में बैठे हैं और आधे भाग गए भाजपा में और भाजपा में जाकर के वो संसद के अंदर बैठे हैं जिसका समर्थन इमरती चाची कर रही है, यह ऐसे लोगों की पार्टी है। यही इमरती चाची आप लोगों ने देखा होगा, जितने मेरे क्रांतिकारी साथी हैं मैं इन्हीं लोगों से बताना चाहता हूं कि आप ही लोग आज से 6 महीने पहले जब एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तो इमरती चाची कंधा देने पहुंच गई थी, लेकिन जब उसका पोल खुला सारे लोग पोस्ट डाल रहे थे कि नेता हो तो इमरती जैसा, नेता हो तो इमरती जैसा, लेकिन जब पोल खुला तो ये पता चला कि भाजपाइयों ने उसकी हत्या की है और चाची चली गई कूद के कंधा देने। ऐसे लोग हैं कि अपने ही लोगों की हत्या कराते हैं और सहानुभूति भी लेने पहुंच जाते हैं, जो वेस्ट बंगाल में हुआ था आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर कि इनके ही लोग अपने लोगों की हत्या किए और हत्या करके आंदोलन करके पूरे बंगाल में आग लगाने का काम किया। ये सबसे बड़े धूर्त लोग हैं
ऐसे धूर्तों से देश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर रेप के खिलाफ अगर आवाज राहुल गांधी उठाए तो जितनी भी पार्टियां हैं सबके लोगों का कर्तव्य बनता है, देश के एक एक नागरिकों का कर्तव्य बनता है, देश के एक एक गरीबों का कर्तव्य बनता है, देश के एक एक किसानों का कर्तव्य बनता है कि उसका समर्थन करें और इमरती चाची का विरोध करें। इमरती चाची का विरोध जो है वह पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि इमरती चाची ये चाहती है कि देश के अंदर रेप होता रहे और लोग अपनी जुबान को बंद रखें, देश की जीडीपी गिरती रहे, देश बर्बाद होता रहे, लेकिन लोग अपनी जुबान को बंद रखें, देश के अंदर देश के किसान और देश के मजदूर आत्महत्या करते रहें और मरते रहें, लेकिन लोग अपनी जुबान को बंद रखें। हमें संविधान मिला है, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं मैं उनको ये कहता हूं कि संविधान की दुहाई देने वाले, जब यह सिटीजन बिल पेश हो रहा था जिसको लोग देश विरोधी बता रहे हैं, उस समय संविधान का हनन हो रहा था आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, लेकिन वो गद्दार नेता कहां बैठे थे जो अपने भीमराव अंबेडकर और संविधान की दुहाई दे दे करके नेता बन के संसद के अंदर बैठे हैं। वह 80 लोग अपने मुंह में ताला लगा लिए थे जब संविधान की हत्या हो रही थी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की हत्या हो रही थी। तो आज जो नेता इस संसद के अंदर पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार कर लिए हैं, चाहे वो ओबीसी हो और चाहे वो दलित हो, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए वहां बैठे हैं, वो देश बर्बाद हो जाए लेकिन उनसे मतलब नहीं है। 80 नेता दलित के बैठे हैं जो अंबेडकर जी की रट लगाते हैं और जय भीम जय भीम जय भीम करते हैं, लेकिन भीम की मूर्तियां कौन लोग तोड़ते हैं, भीम साहब की चश्मा कौन तोड़ता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम कौन तोड़ता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धाराशाही कौन करता है, इन लोगों की जुबान नहीं खुलती, क्योंकि इमरती चाची जैसे लोगों का ये लोग गुलाम बन के वहां बैठे हुए हैं। एक रामविलास पासवान है, उससे बड़ा धूर्त तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे उसका लड़का है चिराग पासवान, सबसे बड़ा धूर्त तो वो है, वही कहता था दलितों को कि दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और लेकिन जब खुद चुनाव लड़ने गया तो सुरक्षित सीट पे चला गया। उससे बड़ा धूर्त आदमी कौन हो सकता है, वह खुद आरक्षण वाली सीट पे गया। तो आज इस देश के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भीम को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे गद्दार पार्टी से उनको बाहर आ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, अगर वो संविधान को मानते हैं और ये मानते हैं कि संविधान की हत्या हुई, तो उनको वहां से निकल लेना चाहिए, चुपके से इस्तीफा दे के निकलना चाहिए, लेकिन ये निकलेंगे नहीं, ये तो जय भीम के नाम पर देश के लोगों को गुमराह करेंगे और संविधान का ज्ञान बता करके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और खुद जाएंगे तो उस बिल पर जो है वोट करने का काम करेंगे जहां संविधान की हत्या की जा रही है। देश का दुर्भाग्य है, अभी तक 800 लोग देख रहे हैं और मैं बारी बारी से सभी साथियों का नाम लेना चाहूंगा। राज यदवंशी जी नमस्कार, कैलाश जय भीम, अमित यादव शेर दिल जय हिंद, मोहम्मद आलम जय हिंद, रामनिवास जी जय हिंद, जितने भी क्रांतिकारी साथी जुड़े हैं मैं सभी को नमन कर रहा हूं, सभी को नमस्कार कर रहा हूं और सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करते रहें, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करते रहें। आज मैं देख रहा हूं कि एक भी अंधभक्त कमेंट नहीं कर रहा है और जबकि आपकी लाइव पर 150 अंधभक्त जुड़े हुए हैं और 150 अंधभक्त देख भी रहे हैं, लेकिन एक भी अंधभक्त कमेंट करने की हैसियत नहीं लिख रहा हो रही है उसकी कि वो कमेंट कर दे, क्योंकि उसको पता है कि इस समय इस लाइव के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं वो क्रांतिकारी लोग हैं, वह बख्शेंगे नहीं, हमारा पिछवाड़ा लाल करेंगे और हमको भगाने का काम करेंगे। आज पूरे देश के अंदर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, मजदूरों को बर्बाद कर रहे हैं, दलित वंचित शोषित समाज को बर्बाद कर रहे हैं, और ये पूरी तरीके से इनकी मंशा है और इनकी मानसिकता है कि इस देश के अंदर मनुवाद को लागू कर दिया जाए और संविधान को जला के किनारे कर दिया जाए। और यही कारण है आप लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है
कि जिन लोगों ने यह नागपुरिया लोग, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये तिरंगे के नीचे कसम नहीं खाए हैं, यह नागपुरिया झंडे के नीचे कसम खाने वाले लोग हैं, जो कि नागपुरिया लोग कभी संविधान पर विश्वास नहीं किए और न तो कभी देश के तिरंगे पर विश्वास किए हैं। तो जो देश के संविधान पर जिसका विश्वास नहीं है, अगर वो संविधान के अंदर जाएगा तो वह संविधान का नष्ट नाबूद करने का पूरा प्रयास करेगा, और जो तिरंगे का अपमान किया है हमेशा, वह तिरंगे का सम्मान कभी नहीं करेगा, वह हमेशा तिरंगे का अपमान करता रहेगा। और अगर आप लोग कहोगे कि तिरंगे का सम्मान करो तो ये कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, अगर आप कहोगे कि आप संविधान पर चलो तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ, और अगर आप सवाल खड़ा करोगे कि देश के अंदर किसानों के गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सरकार उनसे चीनी नहीं खरीद रही है, तो कहेंगे हम तो पाकिस्तान से चीनी लाएंगे। अगर आप कहोगे कि किसानों का प्याज नहीं खरीद रहे हैं, सड़कों पे फेंका जा रहा है, तो कहेंगे हम तो किसानों का प्याज नहीं खरीदेंगे, अफगानिस्तान से प्याज लाएंगे। तो ये सबसे बड़े गद्दार लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, और अगर आप इन पर सवाल खड़ा करोगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, आपको गद्दार कहेंगे। उपेंद्र यादव, राधे राधे, राजू रंजन, राधे राधे, ओम प्रकाश जी नमस्कार, राजकिशन यादव जी आपको क्रांतिकारी सल्यूट, राजस्थान से भी जो साथी जुड़े हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, सोनू जी नमस्कार, भानु जी नमस्कार, जितने भी क्रांतिकारी साथी जुड़े हैं मैं सभी को नमस्कार कर रहा हूं, सभी को प्रणाम कर रहा हूं। और मैं ठीक आज से 5-6 दिन के बाद, राजकृष्णा जी कह रहे हैं निजीकरण पर बोलने के लिए, वो अलग चैप्टर है, मैं निजीकरण पर जरूर बोलूंगा आने वाले दिन पर। और मैं सभी साथियों से विदा तो नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक 700 साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं लाइव लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोगों को मैं नमस्कार कर, क्रांतिकारी नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग हमारे आदर्श हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे जाबाज साथी हैं। मैं सभी लोगों को नमन कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। फिर आप लोगों से मिलूंगा, सभी लोगों को प्रणाम, जय हिंद, जय जवान। अगर हो सके आप लोग तो एक बार पुनः फिर से इसको सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।